अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एग की करी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें 6 उबले हुए अंडे चाहिए, और अब इसके ऊपर हमने 2 स्पाइसेस डालने हैं। थोड़ा सा लेस देन हाफ टी स्पून पपरिका चाहिए हमें, वो डाल दूंगी। और इसको मिक्स कर देंगे, और लेस देन हाफ टी स्पून हल्दी अब वो डाल दूंगी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, स्लाइटली हल्दी और पपरिका डाल के। अब इसको एक साइड पे रख दूँगी, और यहाँ मैंने ये 3 टेबलस्पून योगर्ट लिया है, कोई भी सिंपल योगर्ट चलेगा। उसमें हम मिलाएंगे ये हाफ टी स्पून हल्दी, ये है उसको क्या कहते हैं, सिनेमन, हाफ टी स्पून सिनेमन है। ये पपरिका है हाफ टी स्पून, रेड चिली है हाफ टी स्पून, कोरिएंडर है, और थोड़ी सी क्लोव लिए हैं, मतलब कितने होंगे, 4-5 ही है। तो इन सबको इस योगर्ट में मिला लेंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब इसको एक साइड पे रख देंगे, ये हमें बाद में चाहिए होगा। अब हमने क्या किया कि पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसको गरम कर देंगे, और उसी में जो हमने ऑलरेडी एग को वो किया है स्पाइसेस में, उसको डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। वो सारे साइड से आराम से थोड़ी सी फ्राई हो जाए कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसको इसमें से निकाल लेंगे, उसी प्लेट में जिसमें हमने इसको वो किया था, मैरिनेट किया था। तो एक साइड से निकाल के वन बाय वन सारे निकाल देंगे, और फिर इसी ऑयल में दूसरे वो जो इसके लिए ग्रेवी बनानी है, इसी ऑयल में वो ग्रेवी बना देंगे। अभी इसी ऑयल में हम थोड़ा से वो डाल देंगे, हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे, उसको थोड़ा सा वो करके ब्राउन करके, फिर उसमें चॉप्ड अनियन डाल देंगे जो मैंने ऑलरेडी चॉप्ड किए हुए हैं। अभी अनियन वो हो रहे, फ्राई हो रहे, उसमें से मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप लोग जितना डालना चाहते हो, आपकी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, लेकिन अनियन को फ्राई करने के दौरान अगर वो डालोगे, क्या कहते हैं, सॉल्ट डालोगे, तो अनियन ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। तो इसलिए जब अनियन को फ्राई करो उस दौरान वो डाल दो, क्या कहते हैं, सॉल्ट डालो। अभी ये अनियन ऑलमोस्ट फ्राई हो गया, मतलब गोल्डन कलर है, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है इसमें। इसमें अब हम थोड़ी सा, मतलब 1 टीस्पून वो डाल देंगे। अभी थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक डाल देंगे। एक मिनट, दूसरे हाथ से डाल देती हूँ, ये हाथ मेरा बंद है।
उसको भी थोड़ा सा तो वो कर देंगे, फ्राई कर देंगे। सॉरी मेरा हाथ आ गया था इससे करने से। और फिर इसके बाद मैंने वो किया है, क्या कहते हैं, दो टोमेटो लिए हैं, उसको ग्राइंड किया है। अब उसको इसी में डाल के प्रॉपर वो कर देंगे, पका लेंगे कि ये पानी प्रॉपर तरीके से उसका सूख जाए। अब देखो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ऑयल छोड़ रहा है, लेकिन हम इसको एक दो मिनट के लिए और भी भून देंगे। अब ये सही तरीके से भून गया है और अभी हम इसमें जो हमने कर्ड में और या कह सकते योगर्ट में जो हमने स्पाइसेस डाले थे, अब ये डाल के थोड़ा सा और भून लेंगे। डाल दिया दरमियान में योगर्ट मैंने। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे तब तक ये सारा स्पाइसेस इसमें सही तरीके से मिक्स ना हो जाए और एक खूबसूरत सा इसका वो ना बन जाए, ग्रेवी ना बन जाए। उस टाइम तक हम इसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट में ये तैयार हो जाएगा। जब तक तैयार हो रहे मैं फिर दिखाती हूँ बाद में आपको। अब देख सकते हो कि इसका, अब ये देखो ये ऑयल थोड़ा सा उसने छोड़ दिया है। अब ग्रेवी बहुत मज़े की बन गई है, लेकिन अभी भी हम इसमें थोड़ा सा पानी, केटल का पानी डाल देंगे हल्का सा, फिर इसमें वो रहे क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा दम पे रख दें थोड़ा सा, तकरीबन ये होगा लेस देन हाफ कप। और इस पे सर रख देंगे और थोड़े से हल्के आँच पे इसको दब देंगे कि ये बन जाए, क्या कहते हैं, ये सही तरीके से पक जाए। अभी जो ग्रेवी है वो दो तीन मिनट के लिए मैंने हल्के आंच पे छोड़ दी थी। देखो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसी में जो मैंने एग फ्राई की हुई एग है, अब वो एक एक करके मैंने हाफ भर दिए हैं, एक एक करके इसमें डाल दूँगी और उसको दम पे रख दूँगी ऐसे करके, एक एक करके सारे डाल लो और दम पे रख देंगे। ये देखो मैंने सारे एग्स उसमें बॉयल एग डाल दिए। अब इसको तकरीबन चार से पाँच मिनट हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। अब हमने इसको पाँच मिनट के लिए रखा था दम पे, अब ये तकरीबन हो गया है। अब इसको आराम से किसी डिश में डिश आउट कर लेते हैं। देखो अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। गार्निश के लिए मैंने धनिया के वो पत्ते भी डाल दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपकी बहन उरूज।